स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राम विथ मेडिकल साइंस पे। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो कि हमारे समझ से हर इंसान को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने भी यही सोच के इस टॉपिक को आज हाथ लगाया है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज इस टॉपिक को हम लोग जानेंगे, उस टॉपिक का नाम है पॉक्सो एक्ट। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो कि 2012 में ये एक्ट को लाया गया था और इसके अंतर्गत 18 साल या 18 साल से कम उम्र के चाहे बच्चे चाहे बच्चियां, उसको किसी भी प्रकार के सेक्सुअल ऑफेंसेस से प्रोटेक्शन कराना और उसको कानूनी रूप से न्याय दिलाने में मदद करता है। देखिए, इसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप भी जानते हैं कि हमारे समाज में आजकल जो है इस प्रकार के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे वो बच्चे के साथ हो या बच्चियों के साथ हो, रेप की घटना या फिर किसी प्रकार के हरासमेंट की घटना या सेक्सुअल असाल्ट की घटना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसी चक्कर में गवर्नमेंट को ये पॉक्सो एक्ट जो है 2012 में लाना पड़ा, जिससे बच्चों को सुरक्षा और कानूनी न्याय मिल सके। अब इसके अंतर्गत आता है पहला जो ऑफेंसेस और पनिशमेंट होता है, वो होता है पेनिट्रेशन सेक्सुअल असाल्ट। मतलब क्या होता है इसका? मतलब आप पेनिस या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट किसी भी मेल या फीमेल बच्चा या बच्ची जो कि 18 साल से कम है, उसके वेजाइना, यूरेथ्रा, माउथ या फिर एनस में पेनिट्रेशन करना, ये जो होता है पेनिट्रेशन सेक्सुअल असाल्ट के अंतर्गत आता है। अब इसमें सजा का क्या प्रावधान है? इसमें आपको 5 साल से 7 साल का सजा और फाइन भी लग सकती है, जो कि बढ़ के 10 साल तक भी हो सकती है। अब दूसरा आता है सेक्सुअल असाल्ट। अब ये क्या है? ये जो है एक प्रकार का टचिंग होता है, जो कि विदाउट पेनिट्रेशन की जाती है, चाहे आप टचिंग के माध्यम से ब्रेस्ट को टच करना, वजाइना, यूरेथ्रा या एनस को टच करना या टच करवाना, ये जो है एक प्रकार का सेक्सुअल असाल्ट के अंतर्गत आता है। और इसमें सज़ा की प्रावधान की बात करें तो इसमें जो सज़ा होती है वो 3 साल से 5 साल या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकती है, और इसके साथ साथ फाइन भी लग सकता है। अब आता है तीसरा जो है, वो है सेक्सुअल हरासमेंट। देखिए, ये समस्याएं जो है आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कि मंचलों द्वारा किसी भी लड़कियां या बच्ची जो होती है उसका हरासमेंट किया जाता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को ये सब जो है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत लाना पड़ा। इसमें भी जो सज़ा की प्रावधान है वो 3 साल या 3 साल से ज़्यादा जो है का कारावास और फाइन भी लगता है। तो देखिए, ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि हमारे समाज जो है इसके बारे में जान सके, और इसमें जो कुछ परिवर्तन हुए हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, इसी तरह के वीडियोज़ में अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।